Dear students, please try solving this question. If you write down all the numbers from 111 to 333, how many times do you write 3? 111 से लेके 333 तक अगर हम सब नंबर लिखेंगे तो 3 कितने बार लिखा जाएगा? इसके जैसा क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार देखा गया है और इसको सॉल्व करने के लिए अपनी दो टेक्निक्स हैं। पहले तो हम ये काउंट कर लेते हैं कि भाई हमारे इस पोजीशन पे तीन पोजीशंस हैं, किस पोजीशन पे कितने 3 आएंगे, राइट। या दूसरा हम कर लेते हैं भी 111 से लेके 200 तक कितने आएंगे, 200 से लेके 300 तक और 300 से लेके 333 तक कितने आएंगे, इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेट अस सी नो विद बोथ द अप्रोचेस। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है 111। अब 111 से लेके 199 तक हमारे पास आने चाहिए 20, क्योंकि 103 वाले का नहीं आएगा 3, इसीलिए -1 हमारा आंसर आ गया, 19 आ गई हमारे, ठीक है बेटा जी। और अगर हम देखेंगे 200 से लेके 299 तक हमारे पास आएंगे 20, पूरे आ गए, क्योंकि 10 होंगे हमारे यूनिट डिजिट और 10 होंगे हमारे टेंस डिजिट के ऊपर। अगर हम 300 से देखते हैं 333 तक, तो हमारे आएंगे बेटा जी 34 तो आएंगे हमारे, जो कि 34 कहाँ आएंगे, जो 100 प्लेस पे होंगे, ठीक है। 4 हमारे कहाँ आएंगे, जो मेरे टेंस प्लेस पे होंगे। टेंस प्लेस वाले कौन से हो गए, ठीक है, 03 टेंस प्लेस वाले कौन से बेटा, 30 का, 31 का, 32 का, 33 का, और 4 हो गए हमारे यूनिट प्लेस वाले, ठीक है। ये यूनिट प्लेस वाले कौन कौन से हो गए, 03, 13, 23 एंड 33। तो अगर हम इनको टोटल करेंगे तो ये हमारा जाएगा 81। सो दिस इज हाउ यू गेट आंसर ऑफ 81। आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल to get more questions and more updates.